महादेव, आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है, यानी कि सर्व पितृ अमावस्या है। जो हमारे पूर्वज धरती पे आए हैं, वे आज हंसते हंसते इस धरती से विदा हों, ऐसी कामना के साथ उनके निमित्त एक छोटा सा उपाय अवश्य करें, जिससे वे प्रसन्न हो, जाने अनजाने में हुई गलतियों को माफ कर दें। यदि आप उनको दान तर्पण नहीं कर पाए हैं, तो भी वे आपसे प्रसन्न हो। यदि आप दान तर्पण कर पाए हैं, फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो उसको वे माफ करते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए जब अपने लोक को जाएंगे, तो उनके आशीर्वाद के स्वरूप आपके घर में मंगल कार्य होंगे, दिन दूना रात चौगनी होगी, यानी कि आप तरक्की के मार्ग पे जाओगे। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है, उस घर में हमेशा तरक्की होती है। इसलिए पितरों के निमित्त आप गाय को एक पूड़ी पर थोड़ी सी खीर और थोड़ा सा मीठा रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण करके अवश्य खिला दें। इससे आपके पितरों तक वह पहुंच जाएगा। किसी न किसी जीव के द्वारा आपके पितर उस अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप गौ माता को यह खिलाते हैं, तो आपके पितरों तक वह पहुंच जाएगा, जिससे पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। साथ ही गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, वे भी आपको आशीर्वाद देंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।